Thank you, Kamya ji. Thank you very much. It was very nice talking to you. Thanks. Thanks a lot. Excuse me. Yeah, sure. Hi, sir. Hi. Hope you like the arrangements. Congratulations, Kamya ji. बहुत ही अच्छा इंतजाम हुआ है. सभी लोगों का रिस्पांस बड़ा ही पॉजिटिव लग रहा है. अरे साहब, होगा क्यों नहीं, आपने काम भी तो काफी लोगों के हाथ में दिया है. थैंक्स अ लॉट सर, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू. एक्सक्यूज मी, प्लीज सम वाइन प्लीज. वन स्मॉल रम विद कोक. थैंक्स अ लॉट. वेरी गुड, बट लेट मी वार्न यू, तुम पर नजर रखने के लिए मेरे पास आज भी वक्त नहीं होगा. तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने भाई करण को यहाँ बुला लो. सर, आप जो समझ रहे हैं वो गलत है. एक्चुअली मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है मनोज, वो आया हुआ है, उसके लिए ड्रिंक लेके जा रही हूँ. तोहफा पसंद आया तुम्हें? हाँ हाँ आया, वेरी नाइस. आई मीन मुझे जिंदगी में आज तक किसी ने इतना अच्छा तोहफा नहीं दिया है. आई मीन इट, ये कोई पब्लिक रिलेशन टेक्निक नहीं है. मुझे बहुत खुशी हुई. खुशी हुई तुम्हें? मुझे तो लगा कि तुम्हें हैरानी हुई होगी. एनीवे, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है. यस, एक्सक्यूज मी. सुनो, यहाँ पे वो एक खड़े थे ना हरे कुर्ते में, मैडम वो तो चले गए. कुछ देकर गए? नहीं, कुछ नहीं. बड़ा अजीब है मनोज, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या था उस पैक में. आए मनोज, चाय थर्मस में रखी, ले ले. थैंक्स. यार आज ऑफिस में दिमाग खराब हो गया. क्या बात, इतना सीरियसली पढ़ रहे हैं? यार यार, तू कमाल कर रहा है, तू कमाल करता है यार, तू पागल हो गया. मजाक की भी कोई हाथ होती है यार. पता है तेरी वजह से आज क्या हुआ? हम ऑफिस में ये फाइल ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए. तेरी वजह से चार बातें सुननी पड़ी सुधा को. बेईमान, बिकाऊ, क्या क्या कहा लोगों ने उसे. यार तू कब सीरियस होगा यार, कब सीरियस होगा तू? है, मैंने ये फाइल नहीं ली कैंटीन से. तो क्या ये फाइल खुद चलकर तुम्हारे पास आ गई? अरे कामिया ने दी मुझे पार्टी में आज. क्या क्या कह रहा है तू? तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? तू जितना समझता उतना कमीना नहीं हूं मैं. तो फिर कैसे यार, तू तो जानता है ये तो सुधा की फाइल है. ये हर वक्त उसके ड्रॉअर में रहती है और उसके ड्रॉअर को कोई हाथ तक नहीं लाता. मनोज, मुझे लगता है कि काम्या ने हमारे ऑफिस में किसी को अपनी तरफ कर लिया. ये सब काम्या की प्लानिंग का हिस्सा है. मैं कह रहा हूं एम्बिशन ने दोस्ती को मात दी. अगर ये प्री प्लान्ड है तो काम्या तो बेवकूफ निकली, उसने खुद मेरे हाथ में ये थमाया. आई एम श्योर काम्या को खुद नहीं मालूम कि उस पार्सल के अंदर क्या था. हाँ, ये भी सही. इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है. हो सकता है. खैर छोड़ यार, एक काम करते हैं, सुधा को फोन कर देते हैं और तू उसके बॉस को भी इन्फॉर्म करते हैं. नहीं मनोज, नहीं. देखो, हमें यह पता है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है, लेकिन ये नहीं पता कि वो थर्ड पार्टी कौन है. और हम सुधा को ये भी तो नहीं कह सकते कि ये फाइल काम्या के पास थी. एक काम करते हैं, हम ये फाइल चुपचाप सुधा के ड्रॉअर में रख देते हैं. उसे लगेगा कि हमेशा थी मगर नजर नहीं आ रही थी. नहीं नहीं, उससे ये लगेगा कि सुधा ने कन्वीनियंटली ये फाइल एक दिन के लिए गायब कर दी थी. अरे बॉस का शक यकीन में बदल जाएगा यार. मनोज, समझ में नहीं आ रहा क्या करें. चल सुधा, जल्दी कर, ऑफिस नहीं जाना है. नहीं, अब फाइल खो गई उसमें तुम्हारा क्या दोष? तुमने जानबूझकर तो नहीं खोई है. मगर नुकसान तो हो गया ना माँ, पता नहीं कहाँ रख दी थी मैंने फाइल. अब बस भी करो ना,
क्या मस करो माँ, पता है आज मेरा पहला आर्टिकल छपता। कितना अच्छा मौका था मुझे अपनी एक पहचान बनाने का। पता है अगर सर को मेरा आर्टिकल पसंद नहीं आता और वो उसे छापते नहीं तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। ये तो मेरी बेवकूफी की वजह से ही, इतनी केयरलेस हूं मैं कि एक फाइल भी नहीं संभली गई मुझसे। अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा, दोबारा ऐसी गलती मत करना, ठीक है? चलो चलो। अरे शारदा, अरे तुम लोगों ने आज का अखबार देखा क्या? सुनो शारदा, अरे ये देखो किसकी तस्वीर छपी है। किसकी? ये देखो भाई, मैं सोच भी नहीं सकता था जिंदगी में ये लड़की कामिया कुछ कर दिखाएगी। सुधा बेटा देख, बेटा तुमने साबित कर दिया कि तू सही थी। वाह, कितने बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीर छपी है उसकी। जा बेटा उसे फोन कर, उसे बधाई दे। हाय भाई, बहुत मुबारक हो, कितनी अच्छी फोटो छपी है तेरी। थैंक्स अ लॉट अंकल। बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी, बाद में आऊंगी, अभी मुझे तो सुधा से थोड़ी देर बात करनी है। हाँ इधर आना सुधा, जल्दी आना। I just can't believe you, yeah. Thanks a lot. पर जब मैं सुबह अखबार खोल रही थी ना, मेरे हाथ कांप रहे थे कि पता नहीं तूने हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या लिख दिया होगा। But मैं नहीं सुधा, it's so nice of you not to write anything wrong against our product. पता है कल मैं पार्टी में खड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा कि यही मेरी मंजिल है। This is the right job for me. And the best is कि मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे पास एक इतनी अच्छी जॉब और इतनी अच्छी दोस्त है। I'm really so lucky. Thanks a lot, yeah. Thank you so much. अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करूंगी, अभी मैं जल्दी में हूँ, हाँ? Bye. रिकी खेड़ा, 55 पब्लिकेशंस में से 5 पब्लिकेशंस ने हमारा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? I want a detailed report. जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, I do not want any faux pas. You understand me? शराब पिलाते हो तो पैसा वसूल करना सीखो। और उन 5 पब्लिकेशंस में, don't bother about पितामर पब्लिकेशंस। Yeah, has Kamya come in, please? You may go. Has Kamya come in, please? Good morning, sir. Yeah, good morning, Kamya. Kamya, मैंने तुम्हें कल फाइल दी थी, प्लीज कैंसिल। कौन सी फाइल सर? गॉड, Kamya, कल पार्टी, फाइल, डोंट यू रिमेम्बर? I'm sorry, sir, I really don't remember. Kamya, कल पार्टी में गिफ्ट रैप में मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी। If you haven't gone through it already, let me explain to you. उस फाइल में हमारी पब्लिसिटी से रिलेटेड वो सारा नेगेटिव मटेरियल है जो तुम्हारी दोस्त सुधा जोशी ने बहुत मेहनत से जमा किया है। Now will you please go and get it? सुधा जोशी? जी, और उसी मेहनत से मैंने बहुत सारा दाम देकर उस फाइल को हासिल किया। Now will you please go and get it? उस गिफ्ट रैप में पीतांबर पब्लिकेशन की फाइल थी। शेखर। हाँ सुधा, क्या बात? आज सुबह कामिया घर आई थी। अच्छा? हाँ, उसे गलत फहमी है कि उस छापा। Really? वो मुझे थैंक्स देते जा रही थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या उसे सब बात सच सच बता दो? हाँ नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूँ? उसको मतलब शेखर बोलो ना। देखो सुधा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सब कुछ भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाऊं? अरे कहना बहुत आसान है, एक तो तुम मेरी बात भी बराबर नहीं सुन रहे हो। रहने दो, हम बाद में बात करेंगे। बाय। ये वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है? कौन सा रिपोर्ट? यार वही जो कोई बात नहीं, I do not believe this, Kamya. Sir, कब तुम अपनी responsibility समझोगी? क्या important है, क्या नहीं है, ये कब समझोगी तुम? कब तक मैं तुम्हें spoon feed करता रहूँगा? God damn it, are you a kid? अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह फाइल खोदोगी, तो मैं तुम्हें कभी फाइल देता ही। सर एक बात कहूँ,
अगर मुझे मालूम होता कि उस गिफ्ट रैप के अंदर वो फाइल है तो मैं उसे कभी छूती भी नहीं। क्यों ब्राइब दे? सर जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो ऐसे 100 आर्टिकल्स भी हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। जस्ट शट अप, शट अप एंड लिसन टू मी। पहली बात, मैं उस रिपोर्टर के पास नहीं गया था, वो खुद मेरे पास आया था। हाँ, मैंने फाइल रखी। आफ्टर ऑल मेरी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है, मेरी कंपनी की गुडविल का सवाल है, और तुम्हारी तरह इस तरह मैं बिजनेस को लेकर सेंटिमेंटल नहीं हो जाता। डू यू अंडरस्टैंड? रसूगी साहब, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहीं आप हमें बलि का बकरा बनाने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? देखो साफ साफ बात करो, क्या बात है? अब साफ साफ आप ही कहिए, आपके मन में है क्या? कहीं आपने कृष्णमूर्ति जी को ये तो नहीं कह दिया ना कि वो फाइल मैंने आपको दी है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर वो फाइल वापस आपने क्यों भेज दी हमारे दफ्तर में? क्या बोलो तुम? कृष्णमूर्ति जी की टेबल पर पड़ी है, मैंने खुद देखी है। ऐसा क्यों किया आपने सर? क्या हुआ सर? प्लीज लीव मी अलोन। सर कौन था? क्या बात है? काम्या, प्लीज लीव मी अलोन। So, Sudha, here's the file. Sudha, I am extremely sorry and I sincerely apologize for shouting at you and Shekhar the other day, really. No, sir, it's okay. लेकिन क्या है सुधा, अखबार में वक्त बहुत ही कीमती फैक्टर होता है, बहुत ही अहम फैक्टर होता है, और अगर वक्त पर आर्टिकल छप जाता है। I know, sir. Actually, गलती मेरी थी, लेकिन अब मुझसे कोई लापरवाही नहीं होगी, I promise. Good. तो ये संभालो अपनी फाइल, लेकिन इसकी एक फोटोकॉपी जरूर बनवा लेना। जी सर। सर मैं अभी जाकर अपने आर्टिकल्स पर काम शुरू करती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा सुधा, क्योंकि जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस फोटोग्राफ्स और तारी भरे लंबे लंबे आर्टिकल्स का रीडर्स के ऊपर प्रभाव है, तब तक हमारी तरफ से आर्टिकल शुरू हो जाने चाहिए सुधा, ताकि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में अपना ओपिनियन बनाने से पहले उन मुद्दों पर कुछ विचार कर सके, कुछ सोच सके। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेकिन फोटोकॉपी बनवाना भूलना नहीं। जी नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, मैं बोल रहा हूं, हु इज स्पीकिंग? इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके सर, ऑलराइट। सुधा। जी सर। ये फाइल तब तक यहीं छोड़ जाओ, लेट मी गो थ्रू इट। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। हाय। तुम? हाँ मैं। क्यों? नहीं। आओ ना, अंदर आओ, आओ प्लीज। ये अच्छा है यार तुम्हारा नया घर। अच्छा है ना? सो रहे थे क्या? नहीं यार, सोच रहा था। तुम सोच रहे थे? हाँ, मैं मतलब शुरुआत की थी, सोचते सोचते सो गया। क्या हुआ कल तुम पार्टी से बिना बताए चले आए? चाय पिएगे ना? पर हुआ क्या? तुमने मुझे बताया नहीं, मैं तुम्हें ढूंढती रही। अब क्या ना कि मतलब मैं तेरी पार्टी में बोर हो गया यार। नहीं, डोंट फील बैड कि तू बिजी हो गई और मुझे खाने का मन, किसी ने खाने नहीं दिया मुझे यार। तेरे वो क्लाइंट्स है ना, वो मुझे पत्रकार समझ रहे थे, वो पत्रकार क्लाइंट्स दोनों ने मिलके मुझे पका दिया, क्लास ले ली मेरी यार, मैं चला आया वहां से। मैं चाय लेके आता हूँ। अच्छा सुन, वो पैकेट कहाँ है? कौन सा पैकेट यार? वो याद है द गिफ्ट रैप बॉक्स?
हाँ यार तूने कुछ दिया तो था मुझे, हाँ हाँ वो पिंक कलर का ना, वो तो मैं उधर ही साइड के टेबल पे छोड़ा है। क्यों तूने उठाया नहीं उसे? तूने वो पैकेट नहीं उठाया? अरे कमाल कर दिया, अजीब पगली है यार तू। तू पार्टी से चली गई, वो पैकेट नहीं उठाया? मैंने नहीं देखा वो। अरे माय गॉड, क्या कुछ कीमती है, इंपॉर्टेंट था उसमें? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं नहीं अगर है तो बोल, मैं भर दूंगा यार, अपनी जेब से भर दूंगा। नहीं डोंट बी फनी। अच्छा चल, तुम्हें चाय पिला रहा था ना। अरे चाय छोड़े तू। अरे चाय पिलाना, मुझे जाना भी है। पक्का? अरे पक्का बाबा, टेंशन नहीं है ना। नहीं ठीक है अभी लाता हूं। सुधा सर से बात हो गई? हाँ, thank God, file finally मिल गई, सब ठीक हो गया। Good, all's well that ends well, हाँ? हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा काम है, I'll be late. Oh, अब शेखर, मेरी सुबह की बात का बुरा तो नहीं लगा ना? Oh. I'm sorry, actually इस crisis में तुम्ही ने मेरा साथ दिया है। तो, thank you. Thank you, okay. No okay, bye, see you. Bye. अरे पांडे जी क्या बात है, आज आप ओवर टाइम कर रहे हैं? क्यों आपको कोई तकलीफ है? मैं आपके कुर्सी टेबल पर तो बैठा नहीं। अरे आप तो खफा हो गए पांडे जी। नहीं एक बात बताइए, जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता या कोई पार्टी नहीं होती तो आप अपने फ्री टाइम में करते क्या है? मैं घर में बैठ कर लहसुन छीलता हूँ, आपको छिलना है? नहीं नहीं कमाल है, जाइए अपना काम कीजिए और हमें भी अपना काम करना। सॉरी सॉरी पांडे जी, सॉरी सॉरी डिस्टर्ब यू। कहां कहां से लोग आकर इस दफ्तर में भर्ती हो गए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर कृष्णमूर्ति का कैबिन कहां है? भाई वहीं जाकर आगे जाकर पूछ लो ना किसी से। मैं आई कम इन मिस्टर कृष्णमूर्ति। हाँ मिस्टर रस्तोगी, आइए मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मिस्टर कृष्णमूर्ति, मैं जानता था कि मुझे आना पड़ेगा। आई मस्ट से बहुत ही बहादुरी के साथ अपने जंग शुरू किया। आपने भी इस जंग में कोई कम बहादुरी नहीं दिखाई मिस्टर रस्तोगी। नो मिस्टर कृष्णमूर्ति, आप और हम पहली बार आमने सामने आए। हाँ वो खत, वो फोन कॉल्स, बचपना था मेरे क्लाइंट्स का, बहुत ही हल्के हथियार चुने थे उन्होंने आपसे लड़ने के लिए। बेवकूफ, उन्हें यह नहीं पता था कि आपके खुद के कुछ उसूल हैं, एथिक्स हैं, नैतिकता है। मैंने उन्हें समझा दिया। मैं सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूं मिस्टर कृष्णमूर्ति? बेहतर यही होगा मिस्टर रस्तोगी, वैसे भी आप हमारे सामने बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे। प्लीज कृष्णमूर्ति आपके लिए। आप क्या चाहते हैं मिस्टर रस्तोगी? योर इग्नोरेंस मिस्टर कृष्णमूर्ति, मैं चाहता हूं कि आप हमारी एक्टिविटीज को अनदेखा कर दें।